नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी ने भले ही काफी तबाही मचाई हो, लेकिन इस महामारी के कारण पैदा हुई तबाही के बीच बिहार में विकास की गाड़ी निकल पड़ी है। यही कारण है कि बिहार में सड़कों के जाल को बिछाने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत बिहार में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश में सबसे अधिक नेशनल हाईवे बनाने की तैयारी कर ली है। 650 किलोमीटर लंबाई सड़कों के निर्माण के लिए एजेंसियों का काम भी शुरू हो चुका है, जिस पर कुल मिलाकर 15,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च आने का अनुमान लगाया गया है। जिन जिलों में सड़कों का यह जाल बिछने वाला है, उन जिलों में नालंदा, नवादा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मुंगेर, भागलपुर, सासाराम, भोजपुर और पटना का नाम शामिल है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में पिछले 20 साल में जितना NH का निर्माण किया गया है, उतना केवल एक वित्तीय वर्ष में निर्माण किया जा रहा है, जिसकी मदद से बिहारवासियों को सिर्फ नेशनल हाईवे की सुविधा नहीं मिलेगी, बल्कि बिहार में बेरोजगारी की समस्या से भी राहत मिलेगी, जिसके तहत सड़क के निर्माण से 30,000 लोगों को काम मिलने वाला है। बिहार में वित्तीय वर्ष 2020-21 में NHAI की तरफ से 7 प्रमुख सड़कों के निर्माण के लिए बड़ी राशि खर्च हो रही है। जानकारों की माने तो इस पर 3,792 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होने वाली है। इसके साथ ही जिन 7 प्रमुख सड़कों का निर्माण होना है, NHAI ने उन्हें 15 पैकेज में डिवाइड कर दिया है। NHAI की कई सड़कों का निर्माण लंबे समय से लटका हुआ था। इस बाबत पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन की माने तो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बिहार में 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सड़क और पुल के निर्माण पर खर्च कर रही है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। इंजीनियर से लेकर मजदूर तक के लिए रोजगार के मौके उपलब्ध हो रहे हैं। वहीं इसको लेकर जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा की माने तो नीतीश सरकार का सबसे ज्यादा जोर सड़क निर्माण पर रहा है। NH से लेकर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य हो रहे हैं, इससे बिहार के विकास को गति मिलेगी। वहीं NHAI क्षेत्रीय अधिकारी ने कहा कि 100 किलोमीटर सड़क निर्माण से 1200 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। 1,000 करोड़ की राशि सड़क निर्माण में खर्च करने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 लोगों को काम मिलता है। इस हिसाब से 2 वित्तीय वर्ष में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बिहार में 2.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार केवल NH के निर्माण से प्राप्त हुआ। इसके साथ ही अगर अब हम एजेंसियों को दी गई सड़क निर्माण की प्रमुख योजनाओं की बात करें तो मुंगेर मिर्जा चौकी पथ, जिसकी लंबाई 127 किलोमीटर होगी, वहीं उस पर 3,793 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अगला है पटना गया डोभी सड़क, जिसकी कुल लंबाई 117 किलोमीटर होगी, वहीं इस पर खर्च 1,610 करोड़ रुपए का आएगा। अगला है बख्तियारपुर रजौली सड़क, इस सड़क के कुल लंबाई 98 किलोमीटर होने वाली है, वहीं इस पर कुल खर्च 3,375 करोड़ रुपए का आएगा। इसके बाद है आरा मोहिनिया पथ, इस सड़क की कुल लंबाई 115 किलोमीटर की होगी, वहीं इस पर कुल मिलाकर 1,390 करोड़ का खर्च आएगा। अगला है नरेनपुर पूर्णिया पथ, इसकी कुल लंबाई 49 किलोमीटर होने वाली है, वहीं इस पुल के निर्माण में कुल 1,905 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अगला है अररिया गलगलिया पथ, यह सड़क कुल मिलाकर 94 किलोमीटर की होने वाली है, वहीं इसकी कुल खर्च 2,132 करोड़ रुपए का आएगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।